अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू वीडियो माय चैनल न्यू ट्रेंडिंग फैशन में। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ही ख़ास है। ईद के बाद बहुत सारे शादी के फंक्शन आ रहे हैं, तो लोग मेहंदी लगाना चाहेंगे। मेहंदी के बगैर तैयारियाँ अनकम्प्लीट होती हैं। जितनी भी लड़कियाँ होती हैं, जिस भी मुल्क की हों, जिस भी शहर की हों, तो मेहंदी के बगैर कभी कोई लड़की ब्राइडल या कोई भी अपने आप को कम्प्लीट नहीं समझता, तो मेहंदी लगाना लाजमी समझते हैं। इसलिए मैंने जो वीडियो बनाई है वो ख़ासतर ब्राइडल के लिए है, और कुछ डिज़ाइन ऐसे भी हैं जो लड़की लगा सकती हैं। तो आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, उसमें से आइडिया लें और उस तरह की मेहंदी लगवाएं और बहुत ही खूबसूरत हाथ पांव सजाएं। तो देखें आप इसमें किस तरह के स्टाइलिश, खूबसूरत और नफीस डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो अगर कोई भी लगा ले लड़की तो बहुत ही प्यारे हाथ लगेंगे। ब्राइडल के पाँव की डिज़ाइनिंग देखें, हाथों की देखें, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्टाइलिश है। और इसमें दूल्हे का नाम, अगर कुछ लड़कियां ऐड करना चाहती हैं कि मेहंदी में हमारे दूल्हे का नाम होना चाहिए, हमारे ग्रूम का नाम ऐड होना चाहिए, तो मैंने उस तरह के भी काफ़ी सारे डिज़ाइन उसमें डाल दिए। आप वीडियो को देखें, उसमें से आइडिया लें, और जो भी मेहंदी का डिज़ाइन आपको पसंद है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उस तरह की मेहंदी लगवा सकते हैं। और जो डिज़ाइनिंग आपको पसंद है उसमें अगर दूल्हे का नाम नहीं आ रहा, तो आप उसमें थोड़ी स्पेस दे के आप उसमें भी नाम ऐड कर सकती हैं। अगर आप नहीं करना चाहती तो भी उसमें खूबसूरत डिज़ाइन है। अगर आप नाम भी ऐड करवाना चाहती हैं तो भी उस तरह की डिज़ाइनिंग है। अगर नहीं है तो आप उसे मेहंदी लगाने वाली लड़कियों से, पार्लर से मशवरा लेके उस तरह की डिज़ाइनिंग करवा सकती हैं कि डिज़ाइन ये वाला होना चाहिए और इसमें नाम ऐड नहीं है लेकिन मैंने करना है, तो वो आपको सेम उस तरह की बना के दे देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करें और अपनी फैमिली में भी दिखाएं, जिसको भी अच्छी लगे डिज़ाइनिंग, जो भी अच्छी लगे आप उसके स्क्रीनशॉट लेते जाएं और वैसी मेहंदी लगवाते जाएं। क्योंकि जो मेहंदी आप लगाओगे वो सब तो नहीं लगा सकते ना, तो वीडियो पूरी देखने से आपकी किसी सिस्टर को कोई डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है, किसी आंटी को कोई लगती है, किसी बच्ची को कोई और लगती है, फ्रेंड्स को कोई और लगती है, तो आप सब मशवरे से चल के ये मेहंदी लगवाएं और अपनी शादी को सजाएं। क्योंकि एक जैसी मेहंदी सब पे अच्छी नहीं लगती, तो आप इसमें से काफ़ी सारे डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें और अपनों के साथ शेयर करें कि किसने कौन सी मेहंदी लगवानी है, तो उस तरह से मेहंदी लगाते जाएँ और अपने फंक्शन को खूबसूरत बनाते जाएं। और अगर आप ईद की मेहंदी लगवाना चाहते हैं तो भी आप वो लगवा सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन बहुत प्यारे हैं जो ईद के हिसाब से भी लग सकती है और ब्राइडल को भी लग सकती है या किसी भी लड़की को। क्योंकि आजकल फैशन का दौर है, तो हर लड़की हैवी से हैवी फैशन करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये मेहंदी हैवी है तो कोई लड़की नहीं लगा सकती। नहीं, आप बिल्कुल लगा सकती हैं, बस इसमें डेकोरेशन नहीं है, तो डेकोरेशन वाली तो ब्राइड को अच्छी लगती है, ये कोई भी लगा सकता है। तो अब मुझे इजाज़त दें, चलती हूँ। उससे पहले ये कहूँगी कि व्यूवर्स जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।